नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास टेंथ का टॉपिक है रियल नंबर। ये क्लास टेंथ का पहला टॉपिक है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर को समझाने के लिए हम आपको पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाएंगे कि रियल नंबर होते क्या है। तो रियल नंबर सबसे पहले ये है कि रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया अलग अलग। पहला हमारा पार्ट है रेशनल नंबर्स का, दूसरा हमारा इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर का छोड़ दिया तो हम रेशनल नंबर की चीजें कुछ लिखे हुए, कुछ जो टॉपिक लिखे थे इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये सारे होते हैं जो इंटीजर्स हमारे होल और नेचुरल नंबर होते हैं, ये सारे आते हैं रेशनल नंबर के अंतर्गत। मतलब कि इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सारे क्या होते हैं कि रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इनको समझाने तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर होते हैं आपके, नेचुरल नंबर बात करें हम लोग वन से लेके स्टार्ट करते हैं, तो वन टू थ्री और आगे लगातार सोन चलता रहता है, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो इसके बाद हम चलते हैं ऊपर होल नंबर पे। होल नंबर के कुछ नहीं करना है, होल नंबर के लिए हम केवल नेचुरल नंबर आगे से जीरो ऐड करते हैं, यानी जीरो वन टू थ्री और सोन आगे बढ़ेंगे तो ये सारे क्या होते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या है कि नेचुरल नंबर जीरो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन होल नंबर क्या होता है जीरो इंक्लूड होता है, उसके बाकी जो नंबर डिजिट होती है नेचुरल नंबर की डिजिट होती है, तो आगे से चलता रहता है। बात करें अगर हम इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स हमारा होता है पॉजिटिव्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इसको अगर हम बांटेंगे दो पार्ट में बांटते हैं इसको अलग अलग, पहला होता है हमारा पॉजिटिव और सेकंड अगर हम करते हैं तो करते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर में आते हैं जैसे आपके माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और पॉजिटिव में आते हैं आपके वन टू थ्री फोर और सोन आगे इन्फिनिटी तक, और ये आते हैं आपके माइनस इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। तो ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। और बात करते हैं हम रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, सारे क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर। इसके अलावा कुछ जो नंबर्स हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे होता है हमारे पास वन अपॉन टू, टू अपॉन थ्री, इट मीन जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं हमारे पास, तो सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल क्वालिटी क्या होती है कि रेशनल नंबर को क्या सकते हैं हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, जहां पे क्या होता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा क्यू कुछ भी हो सकता है, और पी की वैल्यू हम लोग पी इक्वल टू जीरो हो सकता है, यानी पी इक्वल टू जीरो वन टू से लेके नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, माइनस वन माइनस टू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग पी की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू हम जीरो नहीं लेंगे। तो जो भी नंबर आते हैं सारे के सारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर में क्या होते हैं कि हमारे पास जो नंबर जिनकी क्या होती है कि वैल्यू फिक्स नहीं होती, मतलब अनफिक्स वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे इरेशनल नंबर्स। जस्ट लाइक अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो यहाँ पे होता है जैसे 0.1234 और सोन आगे बढ़ रहा है, या फिर हम लिखते हैं कुछ रूट टू रूट थ्री, मतलब जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, हमारे रूट टू की वैल्यू फिक्स नहीं होती, रूट थ्री की वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं, तो सारे क्या होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जितने हमारे पास होते हैं रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, सब मिला क्या होते हैं रियल नंबर्स। मतलब जितने भी ये नंबर्स हमने अभी तक यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे के सारे मिला के क्या होते हैं इनका जो भी होता है अपना एग्रीगेशन होता है सारा क्या होता है हमारे पास रियल नंबर्स। तो ये है हमारे पास रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, तो हमारा पहला टॉपिक इसके अंदर है आज यूक्लिड डिविजन लेमा एंड एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग लेते हैं लेट वी हैव टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमारे क्या है ए और बी क्या है दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं दो यूनिक होल नंबर Q और R क्या कर रहे हैं दो क्या है होल यूनिक नंबर है। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग A इज इक्वल टू होता है हमारे पास बी क्यू प्लस आर, तो ये है यूक्लिड डिविजन लेमा एंड एल्गोरिथम। यहाँ पे क्या A और B पॉजिटिव नंबर्स हैं और Q और R के एग्जिस्ट किया गया यूनिक होल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से है कि A इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, जहां पर A को क्या कहते हैं हम लोग डिविडेंड, ए की वैल्यू ए क्या है यहाँ पे हमारा डिविडेंड है, और बी इज इक्वल टू हमारे पास डिवाइजर, क्यू हमारे पास है और आर को हम कहते हैं रिमाइंडर। ये है हमारे पास इस तरीके से ऐड करते हैं कि ए इज इक्वल टू होता है डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू को हम क्वेश्चन बोलते हैं और आर हमारा होता है रिमाइंडर्स।
इन चीजों को समझने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमना को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू हम लोग और तरीके से क्लियर करते हैं कि ए बी क्यू और आर को हम किस तरीके से लिखते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू इसको हम पूरा क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेवन को थ्री से डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो थ्री डिवाइडेड सेवन तो टू टाइम डिवाइड होगा वन। तो यहां पर हम इसको बांटेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग, ये है हमारे पास डिवाइजर। डिवाइजर हो गया सेवन, हमारे डिविडेंड हो जाएगा और टू को हम देंगे क्वेशेंट। टू हमारे पास है क्वेशेंट, और वन है हमारे पास रिमाइंडर। ये हमारे वन रिमाइंडर। तो हम अगर इक्वेशन अगर वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहां पे, तो इक्वेशन में होगा सेवन इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वन। तो जैसे हमारी अबव जो हमने इससे पहले इक्वेशन लिखी थी यूक्लिड लैम्डा जो थी हमारी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो वो सेटिस्फाई इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम ऐसा समझा कि ए की वैल्यू में सेवन रखी, तो सेवन में अगर थ्री का डिवाइड करते तो हमारे पास जो डिवाइजर थ्री है और क्वेश्चन टू है और रिमाइंडर वन बचा हुआ है। तो हमने उस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे चैप्टर में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो हम उसको क्वेश्चन लेंगे। इसके लिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग। तो जो हमारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ। हमारे पास दो नंबर है 135 एंड 225, तो हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, रफ में काम करते हैं। जो रफ में काम होता है हमारा वो करते हैं हम लोग, तो रफ में जो काम होगा 135 से डिवाइड करेंगे हम लोग 225 को, तो ये जाता है वन टाइम 135। हमारे पास 90 बचता है इसमें, फिर ये करते हैं कि 135 को हम लोग लेते हैं डिविडेंड में और 90 डिवाइड हो जाता हमारा, तो 130 को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो वन टाइम जाएगा 90 और हमारे पास 45 बचता है। फिर सेम करेंगे 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, टू टाइम जाएगा और रिमाइंडर हमारा जीरो बचेगा। तो ये हमारा जो काम होगा ये रफ में होगा सारा का सारा। उसके बाद हम लोग आंसर लिखते हैं इसको, आंसर लिखते हम लोग 225 इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा हमारा, आंसर स्टार्ट ऐसे करेंगे हम उसका सारा का सारा। आंसर हम लेंगे 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45, और जो थर्ड हमारा स्टेप होगा 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो जीरो बचा है। जहां पर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो वो क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। जहां पर डिवाइजर से क्या होता है डिविडेंड को डिवाइड करने पे हमारे तरह शुरू किया, तो लास्ट में जहां पर डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या जीरो बचता है हमारा, यानी याद रखिए डिवाइजर क्या है 45, तो 45 ने 90 को डिवाइड किया तो टू टाइम किया और उसका क्या है रिमाइंडर क्या जीरो बचा हमारा। यानी जो डिवाइजर होगा हमारा लास्ट वो हमारा क्या होगा बी होगा, यानी बी इज इक्वल टू हमें क्या होगा 45 और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो डिवाइजर लास्ट में क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा पूरा एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा फाइंड 45। तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं कि हमारे पास ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस मेथड से हम लोग एचसीएफ फाइंड करने का मेथड इसका ये है, और लास्ट में जहां पे जीरो आ गया हमारा रिमाइंडर तो ये क्या है 45, इसका डिवाइजर जो था वो हमारा क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे जो लास्ट 45 का आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये है हमारा क्वेश्चन और इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसको यूज करते हैं। तो सीबीएसई के सारे स्टूडेंट्स से यही कहूंगा कि जो ये हमारा क्वेश्चन था 1. एक्सरसाइज 1.1 का, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन ने कर दिया, इसके बाद सारे क्वेश्चन जो इसके क्वेश्चन है इन्हें आप स्वयं घर पे करें, और इसके अलावा जो भी आपको अगर दिक्कत होती है कोई क्वेश्चनों में कहीं प्रॉब्लम आती है चीजों के ऊपर तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके इन क्वेश्चनों को लेकर दोबारा मिलेंगे। इसके साथ धन्यवाद।